अच्छे भी हैं। मांडोती गांव बहुत अच्छा है, बेहतर गांव है कि दलाल की वो खाप है, उनको भी उसके प्रधान को भी मैंने लिखा है कागज़, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की। जबकि मेरा नाम नफी सिंह है, मैं भूतपूर्व सैनिक या कहो जीवित शहीद, सन 1965 की लड़ाई में अमेरिका के 400 टैंक खेमकंड साइड से आए थे हमारी यूनिट, और हमने मिलकर के उनको ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद मेरे को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया वीर चक्र से। उस समय के राष्ट्रपति पाकिस्तान के मिस्टर अयूब खान थे, जिन्होंने ये कहा था हम नाश्ता तो करेंगे अमृतसर में और डिनर करेंगे नहीं है। और ने वो पत्र को पढ़ते, 4-4 लाख रुपए लेते हैं, काम वो करते नहीं हैं बिल्कुल, बस कागज आया आगे भेज दिया, उनका जवाब आया अगले के पास, ऐसा नहीं होता है। सैनिक कल्याण विभाग वेटनरी का जिम्मेवार होता है, उसकी ग्रीवेंस का संबंध करके कार्रवाई करने का होता है, लेकिन उनकी कोई वो अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं निभाते। इसके ऊपर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मामला गंभीर है, एक पिता की हत्या करना, एक बुजुर्ग की हत्या करना, एक सैनिक का अपमान करना, उसकी जमीन छीनना, उसको जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, अभी जो ये आपने वीडियो देखा, ये जो दो छोटी छोटी क्लिप देखी, इनका लगभग 2.5 मिनट का वीडियो है। मैं आगे आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, और ये वीडियो दिखाने से पहले सिर्फ मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे देश के सिस्टम को, हमारी सेना के सिस्टम को और हमारे मंत्री प्रधानमंत्री और देश की जनता को, जैसे कि इन्होंने बताया ये देश के वीर चक्र से सम्मानित सेना के हवलदार हैं। जो आपने बॉर्डर फिल्म देखी ना, जिसमें वो सनी देओल जाकर टैंकों के नीचे लेट जाते हैं और वो टैंक उड़ जाते हैं, वो सनी देओल के फिल्मी मतलब इसमें देशभक्ति फिल्मों में, बॉर्डर में और पता नहीं किस किस फिल्मों में अपना किरदार निभाकर वो सांसद बने बैठे हैं। लेकिन ये जो असली हीरो जिन्होंने उन टैंकों का मुंह बंद करने के लिए कितने टैंकों को उड़ाया, ऐसे और भी होंगे जो आज भी न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। इनके पिताजी की हत्या कर दी गई, इनको भी मार पीट के इनके गांव से निकाल दिया गया, ये कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक इनको ना तो इनकी जमीन मिली ना सम्मान मिला, उल्टे वो लोग इनको मार पीट कर भगा देते हैं। इन्होंने हर जगह मुख्यमंत्री राष्ट्रपति कहां कहां तक लेटर लिख दिए, लेकिन कोई न्याय नहीं इस देश में। क्यों? इन्होंने जो एक बात कही, मैंने कल भी बताई थी, मैंने बहुत से वीडियो में बताई कि पहले से ही हमारा एक जिला सैनिक बोर्ड बना हुआ है, वहां वेंटर्स एक कर्नल साहब बैठाए जाते हैं इसी तरह पूर्व सैनिकों की समस्याओं के लिए। लेकिन जैसा इन्होंने बोला कि मैंने उनको भी लेटर लिखा, इच्छा मृत्यु तक के लेटर लिख दिया कि भाई इच्छा मृत्यु दे दो, राष्ट्रपति जी को लिख दिया, लेकिन वो लेटर लेते हैं, लेटर को बिना पढ़े बस उसमें साइन करा आगे भेज देते हैं, वहां से जवाब आता है उसको बंदे के पास भेजते हैं। मतलब एक डाकिये का रोल कर रहे हैं। अगर डाकिये का ही रोल करवाना है तो क्यों वहां 1.5 से 2 लाख रुपए देकर सरकार अपना नुकसान करा रही है? वहां एक कोई सिपाही कलरक बैठा तो ये काम तो वो भी कर लेगा। वो अपनी शक्ति को सिर्फ उस कमरे में बैठाकर रिटायर होने के बाद में भी उनको रैंक लगाया जाता है सम्मानित के लिए कि भाई ये कर्नल का रैंक लगा के रखें और कोई भी समस्या है तो उसमें थोड़ा सा जाकर या पत्र के द्वारा या फोन करके उसको हल करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डाके का रोल अदा कर रहे हैं, मतलब कहीं कुछ नहीं करना। वैसे मैंने तो चिट्ठी लिख दी, अब मैं क्या करूं? जब चिट्ठी लिखानी है तो आप नॉर्मल पैसे में एक कलर्क बैठा दो, फिर क्या मतलब वहां कर्नल बैठाने का? और अगर आपने कर्नल बैठाया है, या तो मैं कहता हूं वहां कम से कम ब्रिगेडियर या जनरल लेवल का कोई अधिकारी बैठा हो जो कहीं फोन मारे, और वो ऐसा कि फोन मारे तो अगले वहां पुलिस एसपी डीजीपी का एक बार कुर्सी हिलनी चाहिए कि हाँ किसी वेंटर्स का फोन आया है।
लेकिन नहीं होता है। इसी तरह जवानों के साथ चाहे मारपीट हो रही हो, चाहे उनकी जमीन पर कब्जा हो रहा हो, चाहे उनको बच्चों को उठा कर ले जा रहा हो, मतलब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। बस बोले यार मेरे को मेरा काम करना है, 2 साल की मेरी सर्विस है, मैं क्यों पंगा लूं। मैं कह रहा हूं जिनको पंगा नहीं लेना, जिनकी जवानों की समस्याओं को हल नहीं करना, तो क्यों उस कुर्सी पर बैठते हो? कह दो कि हमारे बस की नहीं है। या फिर मैं कहता हूं कि ऐसे आप अच्छे से सिर्फ सैनिक बैठा दो और उनको पावर दे दो, फिर देखो कैसे आप उनको हम इस तरह नचा देंगे कि एक समस्या समस्या की तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हो, सलाह कुर्सी से बैठना मुश्किल हो जाएगा उनका, जो लोग समस्या पैदा कर रहे हैं। लेकिन सेना और सेना के वो अधिकारी धीरे 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 धीरे, पहले बल्कि ज्यादा रॉयल्टी थी, जवानों के लिए काम भी करते थे, लेकिन पहले भी जैसे ये पहले का केस है उसमें भी बोलते ना कि कुछ ना कुछ तो ऐसे बीज होते हैं जो उगते ही नहीं है। लेकिन पहले मैं फिर भी कह रहा हूं कि पहले के बहुत अच्छे अफसर थे, करते थे काम, लेकिन पता नहीं इनका कैसे हुआ, आज तो बिल्कुल ही कहानी खत्म हो रखी है, वो चिट्ठी को भी नहीं पास करते, ऐसे लोग बैठे। तो सरकार इस पर ध्यान दे, और मैं चाहता हूं कि सरकार नेता ये अफसर ये तो ध्यान देंगे ही देंगे नहीं, ये तो सिर्फ आज जवानों से, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जवानों से बूट पॉलिश करवाना हो, उनसे कुत्ते घुमाने हो, या अपनी मैडम के लिए जिप्सी भेजनी हो अपने कुत्ते के लिए, या इनके बोलते हैं ना 5 रुपए का टमाटर लाना होगा तो एक जिप्सी और बंदे चले जाते हैं, मन अननेसेसरी फ्री का कुछ खाना हो तो पता नहीं कहाँ से दिमाग लगाकर सब कुछ कर लेते हैं, और कोई नहीं रोकता इनको। अगर किसी अधिकारी के साथ होता है तब भी लड़ लेंगे मर लेंगे, लेकिन जवान की समस्या के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं खुद जवानों को कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं तो आप कम से कम इनको शेयर कर दो, ताकि इनकी बातें तो लोगों तक पहुंचे, पता नहीं इनको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग वो इनके साथ गलत कर रहे हैं पब्लिक तक तो उनकी बातें जाएं। आपको लगता है तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वरना तो फिर इंतजार करें कि आपके साथ में अत्याचार हो, फिर आप रविंद्र फौजी को याद करें। मेरा नाम नफी सिंह है, मैं भूतपूर्व सैनिक या कहो जीवित शहीद, सन 1965 की लड़ाई में अमेरिका के 400 टैंक खेमकरण साइड से आए थे हमारी यूनिट, और हमने मिलकर के उनको ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद मेरे को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया वीर चक्र से। उस समय के राष्ट्रपति पाकिस्तान के मिस्टर अयूब खान थे, जिन्होंने ये कहा था हम नाश्ता तो करेंगे अमृतसर में और डिनर करेंगे रेड किले पर, रेड फोर्ट पर। तो इसका मतलब ये था पाकिस्तान जो था एक दिन में ही भारत को जीत सकता था, क्योंकि अमेरिका के टैंक थे। अगर ऐसे हो जाता तो हम सब नमाज पढ़ते हुए तैयार। और उस समय के मैंने अपनी जान की बाजी लगा करके हमने पाकिस्तान के टैंकों को कि वहाँ कब्रिस्तान में खेमकरण में कब्रिस्तान बना दिया था। तो अब मैं 50 साल से राजस्थान में रह रहा हूँ। मेरी पैतृक संपत्ति मांडोठी गांव, जिला झज्जर, हरियाणा में है। जो मेरे भाइयों ने उस पर कब्जा कर रखा है। मेरे पिताजी ने जो ज़मीन कमज़ोर थी उस समय में बंटवारे में आपसी समझौते से मेरे को दी, जो 10 बीघा बनती है भादरगढ़ सांपला रोड के 10 किलो में, अगर कोई ख़रीदने वाला हो तो मैं तो उसको बेच भी दूंगा। अब मैं गांव में जाता हूं तो मांडोठी गांव में तो वो मेरे कपड़े फाड़ लेते हैं, मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं, मेरे ऊपर मेरे को धमकाते हैं कि हम तेरे को जेल में बंद करा देंगे,
तेरे ऊपर बलात्कार के केस लगा देंगे। मैं जसवंत जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के को भी भिजवाया, जो उन्होंने भी इसका मेरे को न्याय नहीं दिलाया। उसके बाद 28/10/2000 को मैंने राष्ट्रपति जी को इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा और उसकी कॉपी सैनिक कल्याण विभाग निदेशक जयपुर और चंडीगढ़ लिखा, तो उन्होंने जांच की, वो जांच सही नहीं, लिपापोती कर दी। तो एक निदेशक का उन्होंने संज्ञान लेना चाहिए था इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, लेकिन उन्होंने संज्ञान न लेकर एक डाकिये का ही काम किया जो इनके लिए अच्छा नहीं है। और न वो पत्र को पढ़ते, 4-4 लाख रुपए लेते हैं, काम वो करते नहीं हैं बिल्कुल। बस कागज आया, आगे भेज दिया, उनका जवाब आया, अगले के पास, ऐसा नहीं होता। सैनिक कल्याण विभाग वेटनर्स का जिम्मेवार होता है, उसकी ग्रीवेंस का समझ करके कार्रवाई करने का होता है, लेकिन उनकी कोई, वो अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं निभाते। इसके ऊपर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मामला गंभीर है। एक पिता की हत्या करना, एक बुजुर्ग की हत्या करना, एक सैनिक का अपमान करना, उसकी जमीन छीनना, उसको अपमानित करना, उसको मारपीट करना, धमकाना, डराना, ये वो कार्रवाई करते हैं मांडोठी। लेकिन अच्छे भी हैं, मांडोठी गांव बहुत अच्छा है, बेहतर गाँव की दलाल की वो खाप है, उनको भी, उसके प्रधान को भी मैंने लिखा है कागज़, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की। जबकि पंचायत ने भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, गांव जो प्रधान बेहतर दलालों के खाप का है, उन्होंने भी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं की। मुझे बड़ा खेद है, एक योद्धा, एक जीवित शहीद, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो एक साधारण आदमी पर कैसे होगी? ये बड़ी दुख की बात है, अफसोस है, दुख है, खेद है, लेकिन कार्रवाई नहीं। मैं आशा करता हूँ इस पर के सरकार, जनता कार्रवाई करेगी, और जनता शहीदों के साथ होती है भारत की, उनकी सुनवाई होती है सब जगह।